सुपर पावर तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। बांग्लादेश दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करती है, वो है इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश में। अगर हम बात करें तो साल 2021 में इन्होंने $35.8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था अपने कंट्री से, और अपने देश में ये 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जॉब दिया करते हैं इस इंडस्ट्री में भी। आज दुनिया के कोई भी देश बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन है कि बांग्लादेश की पूरी जो पब्लिक है वो बहुत इंगेज है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज चाइना के बाद बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का। और दोस्तों, टेक्सटाइल ही ऐसी इंडस्ट्री है बांग्लादेश की जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद की है। आज बांग्लादेश में जॉब बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है, उसका रीजन भी है यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें काफी ज्यादा काम किया। आज आप दुनिया के देशों में जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगह मेड इन बांग्लादेश के आपको कपड़े जरूर मिल जाया करेंगे। तो कैसे बांग्लादेश इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई टेक्सटाइल मार्केट की, जो कि 20-30 साल पहले तो कभी आजाद हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और क्या फ्यूचर है बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल और। तो दोस्तों, बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी सालों से है और सदियों से हम कह सकते हैं, लेकिन इनमें जो असली डेवलपमेंट हुआ वो पिछले 10-15 सालों के अंदर हुआ। 10-15 सालों में ही ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई। अगर हम इसकी कहानी शुरुआत से समझेंगे तो जो 1971 में के बाद जब बांग्लादेश पूरी सरकार बनी थी, उसमें एक इंसान थे नूरुल कादर खान। ये उस गवर्नमेंट में सेक्रेटरी भी थे और ये बहुत बड़े एक देशभक्त भी थे बांग्लादेश के। इनको पता था कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारी जॉब की क्राइसिस बांग्लादेश में हो सकती है, तो इन्होंने कुछ कदम उसी समय लिए जो कि आज उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले इन्होंने 1978 में करीब 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा, जहां पे इन्होंने लोगों को बताया कि जाओ और सीख के आओ कि रेडीमेड गारमेंट्स कैसे बना करते हैं, ताकि बांग्लादेश भी टेक्सटाइल इतना ज्यादा जब वहां पे होता है तो रेडीमेड गारमेंट्स बना के ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, ये विजन उस समय नूरुल कादर खान ने सोच लिया था। और इसके बाद जब ये पूरी टीम वापस आती है तो इसमें से 130 में से ज्यादातर लोग अपना पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। और नूरुल कादर खान 1982 में देश गारमेंट्स नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं जो कि एक्सपोर्ट करना शुरू करती है रेडीमेड क्लोथ्स को। अब दोस्तों, यहां पे हम 1980 में बात करें तो बांग्लादेश खाली $3.5 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रही थी टेक्सटाइल, लेकिन अगर हम यही फिगर 2007 में बात करें तो ये $10.7 बिलियन हो जाता है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी कंट्री ने इस इंडस्ट्री को साथ दिया, क्योंकि कोई गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा सकती है, वहां की पब्लिक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और बांग्लादेशी लोगों ने काफी ज्यादा इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद की अपनी सरकार की। आज के डेट में बांग्लादेश में जितने भी सारे एक्सपोर्ट हुआ करते हैं उसमें सबसे ज्यादा 80% इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होता है। आज बांग्लादेश में 5,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की, जहां से कपड़े बनते हैं और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ करते हैं। इसके पीछे कुछ रीजन है। बांग्लादेश में काफी ज्यादा गरीबी थी, जिस वजह से यहाँ पे काफी सस्ते में कपड़े ये लोग बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जब ग्रो करने लगी तो यहाँ से जब सस्ते कपड़े दुनिया में जाते हैं तो बाकी दुनिया के लोग भी बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया करते हैं। यहाँ के टेक्सटाइल की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बांग्लादेश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट किसको करता है? तो सबसे ज्यादा अगर हम दो बड़े इंपोर्टर की बात करें बांग्लादेशी टेक्सटाइल की, तो उसमें है यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये दो कंट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता है। लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत सारे नए ऐसे कंट्रीज आई हैं आगे, जो कि बांग्लादेश से अपना इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए टेक्सटाइल का, जिसमें से एक कंट्री हमारी भारत भी है। भारत में भी रेडीमेड गारमेंट्स का चलन पिछले 10-15 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अब बांग्लादेश से इंपोर्ट होके कपड़े भारत भी आया करते हैं, और साल दर साल ये करीब 50% के ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री भारत में भी। चाइना ने अपने और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाया, जैसे कि अगर 2010 में हम बात करें तो चाइना को ये $52 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन ये फिगर 2019 में बढ़ के $500 मिलियन हो गया। तो दोस्तों, 10 गुना की ग्रोथ 9-10 सालों में ये कर रहे हैं।
अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 2021 के जुलाई से 2022 के जनवरी तक में बांग्लादेश ने 30% ग्रोथ किया है इस इंडस्ट्री में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इनकी ग्रोथ रेट बहुत तेज है, दुनिया में कोई कंट्री इनकी ग्रोथ से कम्पीट नहीं कर सकती है। आज चाइना के बाद ये दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं। लेकिन दोस्तों अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ था बांग्लादेश के लिए इस इंडस्ट्री में। साल 2020 में वियतनाम ने इनको तीसरे नंबर पे कर दिया था और सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में वियतनाम आ गया था। वियतनाम भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काफी सालों से काम कर रहा है और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक साल के अंदर ही बांग्लादेश फिर से दूसरे नंबर पे है और वियतनाम तीसरे पे है और पहले पे चाइना है, दुनिया के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स है अगर टेक्सटाइल की हम बात करें तो। लेकिन दोस्तों कई सारी ऐसी कंट्रीज है बांग्लादेश जैसी जो काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। पहले बांग्लादेश स्पेन को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था टेक्सटाइल, लेकिन अभी टर्की ने इनको पीछे कर दिया है। तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंडिया भी बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन आज अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पिछले 20-30 सालों में जो उसने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि साल 2025 तक बांग्लादेश करीब $100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा होगा टेक्सटाइल, जो कि एक दोस्तों काफी बड़ी बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पिछले 20-30 सालों में ही बांग्लादेश इतना तेजी से ग्रो किया, तो उसके पीछे दो रीजन है, एक वहां की गवर्नमेंट और दूसरे वहां के लोग, दोनों ने बहुत ईमानदारी से इस इंडस्ट्री पे मिलके काम किया है। गवर्नमेंट के यहाँ पे कई अच्छे कदम थे जिस वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज काफी ग्रो की है, तो आइए एक बार उसको भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पे सरकार ने बेटर पावर जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि रूपुर न्यूक्लियर प्लांट पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया जिससे कि इंडस्ट्रीज में काम करने का कॉस्ट काफी कम किया जा सके। वहीं अगली चीज जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया कि बांग्लादेश में बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, तो गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स लोगों को देना चालू किए जो जो इस इंडस्ट्री में थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे। अगली चीज गवर्नमेंट ने किया कि दुनिया में एक्सपोर्ट अपना तेजी से बढ़ाया ताकि जो कंट्री में जो जॉब्स की कमी है तो वो खत्म हो सके, और इसमें गवर्नमेंट बहुत कामयाब रही। अगली चीज जो इन्होंने की कि इन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाना फिर से लास्ट में चालू किया। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया से हर साल एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश का, वहीं अगर हम चाइना से बात करें तो चाइना में भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता जा रहा है। ये सरकार की नीतियों की वजह से पॉसिबल हुआ है। आज बांग्लादेश अपने बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़ा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों एक ही चीज ऐसी नहीं है बांग्लादेश में जो बांग्लादेश को बहुत आगे लेके जा रही है, दूसरी चीजें हैं, इनका स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अच्छा है, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। अगली चीज अगर हम बात करें, इन्होंने ढाका को बहुत कम टाइम में ग्रो किया, उस पर भी हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों एक ये सीरीज है बांग्लादेश पे जिसपे हम अगले कुछ वीडियोस में जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि इतनी छोटी सी कंट्री, कुछ ही सालों का जिसका शुरुआत हुई है, वो आज इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलती रहे। ओहो, शर्म आ रही है भाई हमें, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। नाम छोड़ें भाई, बांग्लादेश पाकिस्तानी था, पाकिस्तान ये पाकिस्तान का बच्चा है ना, जैसे पाकिस्तान इंडिया का बच्चा है, ऐसे ही है इंडिया से आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश, ये ऐसे ही है भारत का ये पोता हो गया बांग्लादेश। तो वो तरक्की कैसे कर रहा है ये देख रहे हैं पाक, यार इसमें ना मैं क्या बोलूं। सबसे पहली बात है कि ये सारा डिपेंड करता है अवाम और गवर्नमेंट पर। वहां की जो गवर्नमेंट है ना वो ईमानदार है, और वो उसके पास वो देख रहे हैं, वो कह रहे थे कि आज से कई साल पहले उनके जो थे उस पर गवर्नर जो थे मेरे घर में, उन्होंने 130 बंदे साउथ कोरिया भेजे कि भाई जाओ आप जाकर इसकी ना ट्रेनिंग लो, सीखो कि रेडीमेड जो कपड़े हैं वो कैसे तैयार होते हैं। ये हमारे गुलजार भाई की तरह नहीं है, तो वो कहते हैं यार सीखना क्या है, ये सारा कोई मुझे आता है। मैंने कहा कि आप जाकर सीखो यार, आपने होटल बनाना है, तो वो कहते हैं सारा कुछ आता है, वो क्या सीखना है। मैंने कहा आप सीखो ये, आपको ट्रेनर लेकर दिया, वो कहता है ये क्या है, सीखो ये आ गया बस इतना ही। उन्होंने 130 बंदे भेजे और कितने साल गए और उन्होंने सीखा और सीखकर ट्रेनिंग ली बकायदा प्रोफेशनली, और फिर आकर उन्होंने अपने मुल्क में वो स्टार्टअप शुरू किए, और उन्होंने जो ये गारमेंट्स का जो कारोबार है, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है रेडीमेड कपड़ों की, उसको उन्होंने शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें कि आज मुझे खुशी हो रही है यार, मैं इस बात पर बड़ा खुश हूँ कि भाई एक जो मुल्क है वो थोड़े सालों में पहले हमसे बना है,
वो उसका जो रुपया है वो हमसे तगड़ा है, हमारा रुपया जो है बांग्लादेश से भी नीचे है, इंडिया से पहले एक रुपए का फर्क है और बांग्लादेश से भी आठ आने का फर्क है 50 पैसे। तो ये है कि आइंदा कुछ सालों में बांग्लादेश बहुत तरक्की करेगा, वो कह रही है स्टार्टअप में भी उसका नाम है। ये देखा भी इन्हें हमसे लादा हुए, हमसे जुदा हुए 50 साल में, 50 साल 50 साल 1971 में हुए थे भाई, 30 वो और 20 ये 50 हो गया है, गालबन 50 के राउंड अबाउट ही है। और ये देख लें कि पाकिस्तान में भी जो है ना इंडस्ट्री अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फैसलाबाद तो है इसका गढ़ ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, लेकिन देखे को उसका नामो निशान ही नहीं है भाई। वो देख लेना हमारे फैसलाबाद का कपड़ा दुनिया का टॉप क्लास कपड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू उसका सारा कुछ क्यों नहीं है? सबसे पहले जो टेक्सटाइल माफिया है ना इधर जो बनाते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं करती, ठीक है, वो सारा इलीगल करते हैं काम। यहाँ पर जो टैक्स इंडस्ट्री है ना वो कुछ भी नहीं देते गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट लेना भी नहीं चाहती, गवर्नमेंट उनसे अपने कमीशन लेती है, अपने जो उन्होंने बच्चे लगाए हुए हैं गवर्नमेंट जो आती है ना नवाज शरीफ वगैरह की मंथली लगी होती है, ये मंथलियां होती हैं। तो भाई उसका कोई देखे ना, ये काम होता है गवर्नमेंट का, इसको रेगुलर करना, इस पर टैक्स लगाना और इसको एक एक तरीके से इसको एक प्रोफेशनल और लीगल तरीके से बाहर एक्सपोर्ट करना गवर्नमेंट के लेवल पर। वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अपने लेवल पर करते हैं, गवर्नमेंट का नाम नहीं आता उसमें। ये देखें कि अभी हमारे गांव में एक एजेंसी बनी है पेट्रोल की, तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि यार ये तो इलीगल है, आपका खुद आपको लाइसेंस आपके पास हो जाए, बल्कि लाइसेंस हुकूमत देती नहीं तो आप ये कैसे चला रहे हैं? वो कहते हैं भाई जी बस छोड़ दें, मंथली चल रही है, ऐसा चो ये उधर की जो इस एरिया के थानेदार हैं ये जिसको मिला हुआ है और अपना मेरा अपना भाई महकमे लगा हुआ है उसने ये सारा सेटअप बना कर दिया, हालांकि ये इलीगल है। आप अपने किसी गांव में या किसी लोकल एरिया में भाई वो तो वो कह रहा है एक छोटा सा कारोबार, मैं यहाँ पे बताता हूँ टेक्सटाइल जो है ना, ये टेक्सटाइल मेरी बात सुनो, ये टेक्सटाइल जो है बहुत ज्यादा कपड़ा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका कोई है ही नहीं है, कोई म्यार नहीं, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, वो भाई हमारी ईमान पर हमारे हुक्मरान ही अच्छे नहीं है और हमारी हमारी जो हमारा जो इमेज गया है दूसरे ममालिक में ये है ये बेईमान लोग हैं। ये देखे जो हमारे दोस्त है वो क्रिसेंट में काम करता है, वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में बनने वाली पैंट जो है ना जीन्स की वो बरूने मुल्क 25,000-30,000 में बिकती, लेकिन लोगो हमारा नहीं होता, वो लोग बाहर कपड़े को यही है ना, मेरी बात सुन लो, कपड़ा यहाँ से बांध कर जाता है और उसकी जो स्टैंप होती है वो बाहर बाहर लगा कर तुम्हारा फिर डबल कीमत पर हमको देते हैं, हम उधर से स्टैंप लगवा कर वो आप वो हम खरीदते हैं। यही है ना कि हम अपने मुल्क को भाई हम हर बंदा करप्ट है यार, क्या मैं इसको आपको बताऊं, ये बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है और लोग जो है वो कह रहे हैं बार बार कि लोग जो है उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने ईमानदारी के साथ जो लोग वो क्या है, लोग क्या है ये जो कपड़ा बनाते हैं जो मिल मालिक होते हैं वो लोग ही होते हैं ना भाई, वो ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करते हैं और एक लीगल तरीके से अपने कपड़े की अपने मुल्क के नाम से उसको यहाँ पर वहाँ पर बांग्लादेश में उसको तैयार करते हैं और बांग्लादेश का बकायदा स्टैंप होती है, नाम लिखा जाता है, लोगों फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे क्या करते हैं लोग, कपड़ा तैयार किया यहाँ पर जो फैक्ट्री बनाते हैं ना भाई उस पर टैक्स नहीं देते, जब कोई महकमा चेक करने आता है उसको मंत्री दे दी, वो चला गया कपड़े को बनाया इधर से और ब्लैक में बाहर भेज दिया, ठीक है, ना टैक्स दिया ना कुछ किया ना कुछ किया, तो वो जो बाहर वाले हैं वो अपना वहां पर स्टैंप लगाते हैं यार, उनको सस्ता कपड़ा मिल जाता है जो कंपनियां उन्होंने टेक्सटाइल जो फैक्ट्री है ना टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री उन्होंने खत्म कर दी है, उनको सारा करते जो वहां पर करते तो उससे अच्छा और सस्ता जो कपड़ा यहाँ से मिल जाता है और कोई उसकी पूछ नहीं होती उसको क्या पड़ी है कि वो महंगा कपड़ा बनाए, तो पाकिस्तान का यही मसला है, वो यहाँ से कपड़ा जाता है वो अपने स्टैंप लगा देते हैं फिर दोबारा पाकिस्तान को वो महंगा करके भेजते हैं। तो ये भाई मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि बांग्लादेश जो है वो भाई आप सुपर पावर बन चुका है कपड़े में और दुनिया में दूसरे नंबर पर है कपड़ा एक्सपोर्ट करने में, और बड़ी खुशी हुई है। तो ये होता है
अगर बंदा कुछ चीज सीखे, सीखकर उस पर अमल करे, उसको अमली जमा अपनाए, तो फिर ये चीजें होती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।